हाथरस में मिली मंडला की एक लड़की। मंडला की एक नाबालिग लड़की हाथरस के बस स्टैंड में रात को अकेली दिखी तो वहां के लोगों ने उसी समय हाथरस की पुलिस को इस बात की सूचना दी तो हाथरस पुलिस ने तत्काल उस लड़की को थाना में लाकर पूछताछ की तो उस लड़की ने अपना पता मंडला बताया तो मंडला पुलिस ने भी तत्काल इस गंभीर विषय में अपनी एक टीम बनाई और हाथरस भेजी गई। अभी वह लड़की हाथरस कोतवाली थाने में सुरक्षित है। मंडला एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि लड़की के परिजनों से भी हाथरस की पुलिस का संपर्क हो चुका है, वो भी हाथरस पहुंचने वाले हैं। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ मंडला से अजय सिंह रौरे की रिपोर्ट। इसमें देखिए जो हम लोग को सुबह मामला संज्ञान में आया था तब से हम लोग लगातार हाथरस जिला पुलिस और वहाँ के एसपी साहब के संपर्क में हैं। दो बार मेरी खुद ही बात हुई है कि 12 बच्चियों का जो बातें चल रही हैं इनकी अब तक पुष्टि ना तो हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और ना ही मंडला एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वास्तविकता जो अब तक हमारे संज्ञान में है वो ये है कि वहाँ एक बच्ची मिली है रात में बस स्टैंड के पास हाथरस में। वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा उसे जब अकेला तो पुलिस को सूचना दी है। उसे वहाँ के कोतवाली थाने में अभी रखा गया है। उस लड़की ने अपने आप को मंडला जिले का होना बताया है। जो हाथरस पुलिस है उसका उसके परिजनों से भी संपर्क हो गया है और वो लोग भी वहाँ हाथरस पहुँचने वाले हैं, निकल चुके हैं यहाँ से। इसके साथ ही चूंकि मामला हमसे जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ से एक महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अपनी टीम भी भेज रहे हैं हाथरस ताकि इस पूरे प्रकरण को और डेवलप किया जा सके, इसकी वास्तविकता जानी जा सके। लेकिन अब तक जो हमारे पास जानकारी है वो मात्र एक लड़की की है जो कि वहाँ के कोतवाली थाना क्षेत्र में सुरक्षित है। बच्ची के परिजन से किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट हो पाया? बच्ची के परिजनों से संपर्क हाथरस पुलिस ने किया है और क्योंकि वो सुबह ही यहाँ से रवाना हो चुके थे तो हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं है, लेकिन हाथरस पुलिस लगातार उनके संपर्क। सर आगे और खुलासे हो सकते हैं सर और आगे कुछ? देखिए मैंने वही कहा कि अभी क्योंकि बच्ची वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या स्टेटमेंट होते हैं, उसके माता पिता वहाँ पहुँचने के बाद क्या बातें बताते हैं और जो हमारी टीम यहाँ से पहुँचेगी वहाँ से क्या तथ्य निकल के आते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जिस क्षेत्र की जानकारी लगी है जहाँ की लड़की होना पाया गया है तो हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी है कि क्या और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में यहाँ से गई हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या तथ्य निकल के आते हैं उस हिसाब से हम आगे इसमें बता पाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। सर अब तक क्या पता चल पाया मंडला के किस क्षेत्र से है ये लड़की जो मिली? देखिए क्षेत्र विशेष की बात तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक थाना क्षेत्र का मामला है और वहाँ पे हमने टीम भेजी है स्थानीय स्तर पे। जो हमने अभी तक पता किया कि पिछले हफ्ते 10 दिन में 363 की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट उस थाना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन तब भी हम अपने लेवल से पता कर रहे हैं कि वहाँ से यदि ऐसी कोई लड़कियाँ या महिलाएँ वहाँ से गई हैं बाहर तो उसकी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। अभी बंधक बनाने वाली बात आई सामने सर? बंधक बनाने वाली बात अब तक ना तो हाथरस वहाँ से भी उनका एक ऑफिशियल उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है ना वहाँ से ऐसी बात आई है, और चूंकि हमारी टीम अभी वहाँ पहुँचना शेष है तो पूछताछ के बाद वो लड़की के क्या स्टेटमेंट है उसके बाद ही इस बारे में हम स्पष्ट तौर पर बोल पाएंगे, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक ऐसी नहीं है।